नमस्कार, मैं आपका दोस्त पीएन राजपूत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ हमारी यूट्यूब चैनल इतिहास के पन्नों के माध्यम से। आज मैं हमारे यूट्यूब चैनल इतिहास के पन्नों के माध्यम से आपको बताने आया हूँ। यदि आप सीमा दर्शन के इच्छुक हैं, अगर आपको सीमा दर्शन करना चाहते हैं, तो अब गुजरात के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शन उपलब्ध है। जी हाँ, जैसे कि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि वाघा बॉर्डर पर जो परेड होती है और परेड देखने के लिए वहां पर लोग जाते हैं, गुजरात से भी कई लोग जाते हैं, और वैसे भी गुजरात की जो पब्लिक होती है, जनता, वो घूमने फिरने की काफी ज्यादा शौकीन होती है और उन्हें ऐसे नए नए एडवेंचर जो होते हैं उनमें मजा आता है। घूमने फिरने में, खाने पीने में काफी उत्सुक पब्लिक है, तो इसलिए मैं मेरे गुजरात की जनता के लिए ये शानदार वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि वाघा बॉर्डर की तरह ही एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर अब हमारे गुजरात में भी है, जो सरकार ने हाल ही में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के बनासकांठे जिले के सोईगाम के नड़ाबेट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान की सीमा है, बॉर्डर है, जहाँ पर आप सीमा दर्शन का लुत्फ उठा सकते हैं। शनिवार और रविवार के तहत वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और पर्यटन स्थल का बहुत सारा वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है। खासतौर पर बात की जाए तो गुजरात सरकार के साथ साथ भारत सरकार ने भी दिलचस्पी जताई है और उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। वहाँ पर अद्यतन शॉपिंग मॉल, अद्यतन थिएटर्स, आधुनिक दुकानें, सब सगवड़े उपलब्ध करवाई है। और उससे भी बढ़िया बात ये है कि बिल्कुल जीरो पॉइंट जो है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है भारत पाकिस्तान की, उस जीरो पॉइंट पर सेल्फी टावर बनाया गया है। उस सेल्फी टावर पर आप अगर चढ़कर अपनी यानी सेल्फी क्लिक करेंगे तो नजदीक में जो पाकिस्तानी गांव है वो भी आप क्लिक कर पाएंगे। इससे आपकी सेल्फी जो है बेहतर आएगी और इसके लिए भी भारत सरकार ने काफी ज्यादा मेहनत की है और गुजरात सरकार को भी केंद्र सरकार ने मदद दी है और उसके बाद गुजरात सरकार ने भी अपनी तिजोरी में से खर्चा करके शानदार ढंग से वो सेल्फी टावर बनाए हैं। फिलहाल वहां पर एक सेल्फी टावर है और 3 सेल्फी टावर डेवलप करने हैं, 2 सेल्फी टावर और डेवलप करेंगे। और जैसे ही आप वहां जाते हैं तो वहां एक पौराणिक मंदिर है नरेश्वरी माता का, जो काफी फेमस मंदिर है और काफी प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर भी लोग आते जाते रहते हैं और रामनवमी जो होती है उसके तहत वहां पर एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। उस मेले में तकरीबन देखा जाए तो 50 से 60 हजार लोग उपस्थित रहते हैं और काफी ज्यादा भीड़ होती है और वैसे भी वो रण इलाका है तो वहां पर काफी ज्यादा में लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, मेला लगता है और बिल्कुल मानो फिल्मों में जिस हिसाब से मेले होते हैं उसी हिसाब से मेले होते हैं। और सबसे बड़ी बात करें तो वो रण जो है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पहले समुद्र हुआ करता था, उस समुद्र सूख चुका है, लेकिन अगर आप बरसाती सीजन में वहां पर जाएंगे तो आपको वो समुद्र जो लुप्त हो चुका है वो समुद्र आपको एक बार फिर से उसकी झलक देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात में वहां पर पानी जो है इकट्ठा होता है बारिश के कारण और उसके हिसाब से रण में पूरी तरफ से चारों ओर पानी ही पानी नजर आता है। और इतना सारा पानी देखने के बाद ऐसा आपको महसूस होगा कि आप किसी बीच पर खड़े हैं, किसी समुद्री तट पर खड़े हैं, ऐसा शानदार माहौल होता है। और वहां पर बात करें तो हमारे आर्मी के जवान जो है वो सारी गतिविधियां करते हैं, जैसे कि परेड करना और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, 15 अगस्त 26 जनवरी को परेड करना, विशेष परेड करना, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, आपको देखने का मौका मिल सकता है। तो जैसे ही वाघा बॉर्डर को विकसित किया है भारतीय सरकार ने, उसी हिसाब से ये गुजरात की जो सोईगाम नड़ाबेट बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान की सीमा, उसे भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर डेवलप करने का प्रयास कर रही है और कुछ हद तक प्रयास सफल भी हुआ है। और वहां पर रणछोड़ पगी नामक एक स्टैच्यू लगाया गया है, जिस सीमा का नाम भी रणछोड़ पगी रखा गया है और बिल्कुल वो भारतीय सेना में पगी के रूप में थे, उन्होंने भी काफी मदद की थी एक दौरान जब था, कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना उस रण में अपना मार्ग भूल चुकी थी, तब रणछोड़ पगी नामक व्यक्ति ने वहां पर जाकर भारतीय सेना की मदद की थी और उन्होंने अपनी आगवी सूच और बूझ के कारण भारतीय सेना को सही रास्ता दिखाया था और दुश्मनी ठिकाने तक पहुंचाया था और भारत ने उस जंग में जीत हासिल की थी, इसलिए उनका भी एक विशेष स्थान वहां पर अंकित किया है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे देश के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य हो सकता है वो हमारे देश के लिए करते हैं, उनके लिए ऐसे नाम होना चाहिए और सही निर्णय था ये।
और मैं चाहूंगा, और जैसे कि आप सबको पता भी है, फिलहाल कोरोना वायरस चल रहा है COVID-19, जिसके तहत थोड़ी सी फिल्म स्थगित की गई है। वरना रणछोड़ पगे के जीवन पर आधीन एक फिल्म भी बनाई जा रही है, भुज द फ्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें अजय देवगन भी किरदार निभा रहे हैं, संजय दत्त भी किरदार निभा रहे हैं, और वो बिल्कुल रणछोड़ पगी जो है उनके जीवन पर ही पूरी फिल्म कान बनाई जा रही है फिल्म। और जैसा कि हमने बताया, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत पाकिस्तान की ये सीमा जो कि शानदार है, आप एक बार जरूर देखें, और देखने के बाद आपको शायद लगेगा कि बिल्कुल नज़दीक से आपको देखने को मिलेगा। जो आप जीरो सीमा पर जाएंगे तो दूसरी छोर फिर 150-200 मीटर दूर पाकिस्तान के गांव आपको नज़र आएंगे, और उस सेल्फी टावर पर आप चढ़ के सेल्फी आपकी क्लिक करेंगे तो वो उस दुनिया के, मतलब कि हमारे देश के आखिरी छोर की सेल्फी होगी, और उस सेल्फी से आप अपने आप में खुश होंगे और अपने आप में आपको लगेगा कि हमने कुछ नया किया है। तो एक बार ज़रूर आप सीमा दर्शन के लिए जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चले कि गुजरात के बनासकांठा जिला के सोईगाम तालुका के नड़ाबेट के अंदर भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर सरहद जो है, जो सीमा दर्शन के लिए उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद। जय हिंद।